भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। आज मेरा हर्ष का विषय है। जब पहली बार मेरे सामने ये बात आई कि जी हम छोटे बच्चों के बारे में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल की तरफ से कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने तुरंत इनका सुझाव बड़ा अच्छा लगा और ये जो आज आयोजन है और जो क्लासेस शुरू हो रही हैं ये आप बच्चों के लिए हैं। देखिए, देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है। राष्ट्र के निर्माता होते हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो उसके लिए सरकार और प्रशासन हमेशा तत्पर रहते हैं। एकेडमिक एजुकेशन के अलावा और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना भी सर्वगुण संपन्न बच्चे को करना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। इसको करने के लिए न सिर्फ स्कूल्स ही आवश्यक हैं बल्कि कुछ ऐसी संस्थाएं सरकारी और गैर सरकारी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकें, उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकें, इस तरह का माहौल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारी ये जो संस्था है यहाँ की लोकल ब्रांच, ये बड़ा ही अच्छा कार्य कर रही है। मैं इस चीज़ के लिए इस संस्था को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। बच्चों की परफॉर्मेंस, मैं स्टेज की बात नहीं कर रहा, गेट से लेकर यहाँ तक जो आप लोगों का व्यवहार था, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपके एक्सप्रेशंस थे, उन्होंने मेरे दिल को छू लिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्यारे बच्चों आपके लिए, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में सफल हों और अच्छी तरक्की करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। जी, इस पर छत नहीं है, तो ये सुन के मैं पहले था यहाँ पे 15 साल, कुछ पुराने चेहरे भी हैं, इधर भी मेरी नज़र पड़ी थी तो थोड़ा सा दर्द सा हुआ। तो मैं आज आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, साहब आप इस पर छत लगाइए और इसका पूरा काम करिए ताकि बच्चों को अच्छे से माहौल मिले और वो अपनी उन्नति और तरक्की कर सके। ये आपका कार्य पूरा हो जाएगा, हम ये पूरी कोशिश करेंगे।